एक समाज कई प्रकार के लोगों से मिलकर के बना होता है और इन्हीं अलग अलग प्रकार के लोगों के बारे में हमें जानने को मिलता है टीवी से, मीडिया से, अखबारों से और हमारे आसपास के लोगों से। एक क्रिकेटर अपने दिन भर में क्या क्या करता है, एक बॉलीवुड स्टार के बच्चे ने दिन भर में कितनी बार टट्टी की, मेरे बाबू ने थाना खाया या नहीं, वो कौन है जो झुक करके तो चलता है मगर फिर भी कहता है मैं झुकेगा नहीं। क्या आप जानते हैं सीआईडी के एपिसोड नंबर 101,165 में अंकित खन्ना को किसने मारा था? इन सभी चीजों की जानकारी तो हमें हर रोज मिलती है मगर आज हम बात करने वाले हैं बेरोजगारी की। जी हाँ, एक ऐसी स्थिति जहाँ लोग पढ़े लिखे तो होते हैं, अमीर भी होते हैं, टैलेंटेड भी होते हैं मगर फिर भी बेरोजगार रह जाते हैं। तो यकीन नहीं आ रहा ना आपको, तो मैं इसी बात का सबूत लेने के लिए निकल पड़ा हूँ हर एक शहर, मोहल्ले, गली, कस्बे, गाँव और गलियों में। तो फाइनली गाइस मेरे साथ बैठे हैं बेरोजगार चचा चौधरी। नहीं, बेरोजगार चचा चौधरी नल्ला, पूरा नाम लीजिए। अरे यही तो पहचान है हमको। ओके, तो बेरोजगार चचा चौधरी नल्ला जी है ना? जी नहीं, बेरोजगार चचा चौधरी नल्ला। ठीक है, तो आप पहले ये बताइए, एक मिनट मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हाँ। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू चैनल में जिसका नाम है जरूरी नहीं है जानना, और मैं हूँ आपका स्वागत खाता उठा पटक, और हम आ गए हैं एक ऐसे शख्स से मिलने जो पढ़े लिखे हैं, अमीर भी हैं और टैलेंटेड भी हैं मगर बेरोजगार हैं, जिनका समाज में जरा भी इज्जत नहीं है, जिनको घर वालों से दिन रात गालियां मिलती है, परिवार वाले ताने देते हैं और जब नौकरी मांगने जाते हैं तो उन्हें लात मार करके भगा दिया जाता है। तो जी बेरोजगार चचा चौधरी नल्ला जी, आप ये कौन बोला हमारा इज्जत नहीं है? अरे हमारा इतना इज्जत है कि हम खुद ही बुरिया गए, हम खुद ही लड़का लोग को बोलते हैं कि हमको रे बे टेक करके बात किया करो, और कभी कभी दो तीन को गलियों दे दिया करो।